हिंदी लिटरेचर की पुस्तक से पाठ एक हम जब होंगे बड़े, जो एक कविता है उसके बारे में बताऊंगी कि यह कविता किस चीज़ के बारे में है और इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही। देखिए उन्होंने अपने देश के बच्चों के बारे में क्या कहा है, उनकी सोच के बारे में क्या कहा है। हम जब होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश, अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। बच्चे कह रहे हैं कि जब हम बड़े होंगे तब ये देश ऐसा नहीं रहेगा। आज जो लोगों के दिल में जो नफरत अधिक है और प्यार कम है इसको ये वह दूर करेंगे और जो घृणा है उसका नाम ये मिटा देंगे। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश, भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। एक घरोंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश, जो हमारे देश में हिंसा हो रही है, भ्रष्टाचार ही है, जमाखोरी है और जो पुरानी कुरीतियाँ हैं हमारे देश में उसको ये बच्चे मिटाकर नई चेतना लाएंगे। इसकी बागडोर हाथों में ज़रा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। हम खाते हैं शपर दुर्दशा, कोई नहीं सहेगा देश। बच्चे ये कह रहे हैं कि इस देश की बागडोर हमारे हाथों में आने दो और थोड़ा हम बड़े हो जाएं और पाँव हमारा इस धरती पर टिक जाए, तब वो एक शपथ खाते हैं कि इस देश में कोई दुर्दशा नहीं होगी और कुछ ना इसमें कोई गलत सहेगा। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। बच्चे ये कह रहे हैं कि हम अपने देश भारत का झंडा हिमगिरी से भी ऊंचा फहराएंगे और जो रेगिस्तान बंजर पड़े हैं उसमें वह हरियाली भी ला देंगे। घोर अभावों की ज्वालों में कल नहीं दहकेगा देश, जो यहाँ पे घोर अभाव हैं उसकी ज्वाला में जो ये देश दहक रहा है, ये बड़े होकर इस ज्वाला को शांत करेंगे जिससे कि कोई भी कमी हमारे देश में ना हो। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी कि बच्चे अपने देश के बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या चाहते हैं। आप इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।